एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात से आठ कलियाँ इस गुलाब पर हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी गुलाब के बारे में। गुलाब सभी का फेवरेट प्लांट होता है और इस पर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएं गमले में, इसी के ऊपर आज ये वीडियो है। सबसे पहला काम है प्रूनिंग। अपने सभी प्लांट्स की प्रूनिंग करते रहें। गुलाब की अगर पुराना फूल है तो उसको भी तुरंत कट करें, या फिर किसी ब्रांच पर फूल नहीं आ रहे हैं उसको भी कट करें, और अगर कोई ब्रांच काली हो रही है उसको भी कट कर दें। वहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी और हर ब्रांच पर कली पक्का आएगी। तो जब आप प्रूनिंग करेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ पा सकते हैं। जहाँ से भी कट करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें ताकि हमारी ब्रांच ख़राब ना हो। दूसरा जो काम है वो है गुड़ाई। गुड़ाई हमें हर 15 दिन में अपने सभी पौधों की ज़रूर करनी चाहिए। इससे पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो भी जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचता है और मिट्टी भी सूखती रहती है, पोरस रहती है, हार्ड नहीं होती, तो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी पत्ती अगर ख़राब हो रही है, पीली हो रही है, उसको तुरंत हटा दें वरना दूसरी पत्तियों पर भी ये चीज़ फैलती जाती है। हर महीने अपने प्लांट में राख का यूज़ ज़रूर करें। लकड़ी को जलाकर आप ये राख बना सकते हैं। इससे पौधों में बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं होती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे गुलाब के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हर महीने आप इस तरह से डाल दीजिए अपने प्लांट में। कोयला भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा चाय की पत्ती हर 15 दिन में एक बार 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट में आप डाल सकते हैं। यूज़ करी हुई चाय की पत्ती धोकर सुखाकर आप डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट में डाल सकते हैं। अपने पौधों पर स्प्रे ज़रूर करें। हमारे पौधे जैसे कि बालकनी में लगे हैं या फिर ऐसी जगह पर हमने लगा रखे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा खुला उनको माहौल नहीं मिल रहा है, तो स्प्रे करने से पौधों का विकास अच्छा होता है, तो आप स्प्रे करते रहें प्लांट्स पर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में आप सीवीड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। गुलाब पर बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और ये लिक्विड जो फॉर्म में है ये बहुत जल्दी असर करता है। दानेदार भी आता है इसका, तो अगर दाने वाला आपके पास है तो आप 10 दाने के करीब अपने गुलाब के प्लांट में डाल दीजिए, पर ये लिक्विड वाला बहुत जल्दी असर करता है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमें कुछ करना भी नहीं है। 1 लीटर पानी में 8 से 10 ml हमें डालना है और अपने प्लांट में दे देना है। बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट हैं और किसी तरह की फंगस वगैरह भी नहीं लगती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था और बहुत ही कम ये डलता है, और इसको हम अपने प्लांट में 10-15 दिन में एक बार दे दें तो बहुत ही बढ़िया फूल आएंगे। और अगर इसके बावजूद आपके प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप एक स्पेशल फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में दे सकते हैं, जिसका वीडियो भी मैंने 2 दिन पहले ही डाला है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसका रिज़ल्ट तो पक्का 100% ही मिलता है। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है हमारा, तो ये आप यूज़ करके देखिए और फुल सनलाइट में अपने गुलाब के पौधों को रखिए। जितनी भी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आपके यहाँ आती हो ऐसी जगह पर गुलाब के पौधों को रखिए, तो बहुत ही अच्छे फूल आप गुलाब से पा सकते हैं। अभी ये टाइम है गुलाब से ज़्यादा फूल पाने का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच। जय सियाराम।